हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष गुजर केमिस्ट्री वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप? अच्छे? सब अच्छे से काम हो रहा है, सब अच्छी बात है। अब आपको मैं, आपने पिछला वीडियो जो देखा था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, मैंने आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक थी जिसमें कि अपन को क्या करना था, सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनने थे और अपन को हाइब्रिडाइजेशन का पता लग जाता अगर संरचना अपन को याद होती है तो संरचना भी अपन को ध्यान में होना चाहिए। ठीक, अब आज मैं आपसे कुछ पर्सनली बातें करूंगा कि क्या होता है कि आपने दो या तीन या चार वीडियो अभी तक देखे हैं, आपने देखे हैं, आपको अच्छा लगा है, बुरा लगा है, जैसे भी आपको वीडियो लगा है, आपको बताना चाहिए था मेरे को कमेंट में कि ऐसा है कि सर ये यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा या वो ऐसे नहीं आ रहा या कुछ भी आपको अच्छा लगा बुरा लगा आप मेरे को बताते। अच्छा लगा तो उसको बहुत अच्छा बनाने की अपन कोशिश करते, बुरा लगा तो उसमें इम्प्रोवाइजेशन तो कुछ करते ना, आप बताते तो ही तो होता ना, तो आप बताया नहीं। तो अगले वीडियो में जब भी अपन बात करेंगे तो आप मेरे को बताओगे कि सर अच्छा है या कैसा है, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कमेंट होने चाहिए वो आप करोगे। ठीक, अब एक बात बताओ, जब आप मेरे को बताओगे तब मेरे को पता चलेगा आप लोगों की प्रॉब्लम है क्या, वाकई में आपकी क्या प्रॉब्लम है। आप बोलोगे कि सर हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं वो करूंगा, आप मेरे को बताएं। आपका एक कमेंट मेरे लिए टॉनिक का काम करेगा, समझ रहे हो ना, टॉनिक का काम करेगा। चलो ये तो हो गई अपनी बातें, ठीक है, आप ध्यान रखना इस बात का। अब अपन आज बात करेंगे आवर्त सारणी की, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी आवर्त सारणी, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी केमिस्ट्री में, इसका अपना अलग ही महत्व है आवर्त सारणी का। तो आज अपन इसकी सिर्फ चार जो ग्रुप है उनकी बात करेंगे और अगले वीडियो में उनकी चार जो है उनके अगले वीडियो में करेंगे, चार की इनमें करेंगे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप। कुछ फनी ट्रिके हैं, आपको देख के भी मजा आएगा और याद करने में भी आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी चीजें, है ना। तो देखिए स्टार्ट, फर्स्ट ए ग्रुप, पहला है हेलिना के रबड़ी से फूट आया, हेलिना के रबड़ी से फ्रूट आया। तो अपन यहां से स्टार्ट करेंगे। अब आप समझना ध्यान से, हे का हो गया एच हाइड्रोजन, ली का हो गया लिथियम, सोडियम कैसे बना अपना पोटेशियम, रुबेडियम सीजियम, और ये फ्रूट से हो गया फ्रांसियम, फ्रूट से हो गया आपका है भाई ये आर है, तो ये हो गया फ्रांसियम और आया अपने वर्ड को जो अपना सेंटेंस है उसको पूरा करने के लिए लगाया है। ठीक है, ये फर्स्ट ए ग्रुप की बात हो गई। अब अपन बात करेंगे सेकेंड ए ग्रुप, थोड़ा सा फनी है, ठीक है, लेकिन याद हो जाएगा, फनी चीज आसानी से याद हो सकती है ना, इसलिए बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, तो बेटा जाहिर सी बात है अगर बेटा सुंदर कन्या
मांगेगा तो बाप तो रोएगा ही। तो ये ऐसे अपने जो ट्रिक है इनको ऐसे ज्यादा ऐसे मत लेना, आप ऐसे इनको समझने के लिए लेना कि हाँ यार अपने को समझ में आ जाए अच्छे से। तो बेटा ये हो गया, और मांगे मैग्नीशियम, ये कन्या ये सुंदर हो गया, ये बाप ये रुई। समझ में आ रहा है ना? थर्ड ए ग्रुप, बाल गए इंडिया थाईलैंड, तो बाल एल्यूमिनियम बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और ये आपका थाईलैंड से टी है, ठीक है। फोर्थ ग्रुप आएगा अपना, कहे शिव जी सुनो प्रेम, कि शिव जी कह रहे हैं प्रेम सुनो, इसको याद ऐसे करना है, कहे शिव जी सुनो प्रेम, शिव और जी के बीच में गैप अपना याद रखना है ना, कहे शिव सुनो ये आपका डेट। तो ये ट्रिक है, जनरल ट्रिक है, अपन इसको आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको बार बार रिवाइज करने से क्या होगा कि आपके है ना आसानी से ये फिर है ना दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो ज्यादा ऐसे हार्डली मतलब ऐसे सिंपली तरीके से, बस ऐसे मान लो कि ट्रिक है अपन को पढ़ना है तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, ये याद करने के आसान तरीके हैं। आप पॉज कर लो वीडियो को और अपने नोटबुक और पेन लेके इसको लिख लो अच्छे से, किसी नोटबुक में लिख लो। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।